एक बलोच अस्करीत पसंदों की जो हमसे नाखुश हैं कि भाई आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप इस मुल्क के आइन को मानते हैं, और दूसरी तरह जो हमारा ताकतवर इदारे, हमने कहा हम तो सैंडविच बन गए। हमने कहा बलोच अस्करीत पसंदों ने और हमारे ताकतवर हलकों ने मिलकर हमें हरवाया, और हमारा सिर्फ गुनाह यह है कि हम ये कहते हैं कि जी हकूक हासिल करने के लिए बेहतरीन रास्ता जमहूरी रास्ता है। और दूसरा शायद ये भी हो सकता है कि चूंकि हम नून के काफ़ी अरसे से इत्यादि रहे, ज़रूरियात के मुताबिक अगर मुफाहमतें करती है, अगर आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती से वो फरार अख्तियार कर जाता है, उस सूरत में ज़रा हम आज़ाद हैं और हम इसी रास्ते पर चलेंगे। अगर वो तो हट चुके हैं अभी, और ज्यादा क्या हटना है? ओवरऑल मतलब एक इम्प्रेशन, एक तासुर तो जो आप बता रहे हैं ना, ज़ाहिर हम भी यहाँ असम्बली पार्लियामेंट में साथ हैं, एक इम्प्रेशन एक तासुर तो उभरता है। इस किस्म की एक कोशिश दोनों जमायतों की तरफ से, ठीक है ना, बाज़ लोग जरदारी साहब का भी कह रहे हैं कि वो भी रास्ता निकालने की तलाश कशर रहा है, बाज़ लोग शहबाज शरीफ की बात करते हैं, ठीक है ना, राय तो है। लेकिन देखो जब माजी की गलतियों को आप दोहराते हैं तो रिजल्ट वही आएगा ना।